कक्षा नौवीं की शुभफल जो आपका यहाँ पर इंग्लिश के जो आपका यहाँ पर अंग्रेजी के पे वो आपका हो चुका है, और साथ ही इनके हम आपको यहाँ पर आंसर की बताने वाले हैं, यानी आपको इनका जो आंसर है वो हम बताएंगे, तो आपको यहाँ पर सही आंसर मिला लें कौन सा आपने सही किया और कौन सा आपने गलत किया। तो पहले तो आप यहाँ पेपर देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपका पेपर आया हुआ, ठीक है। तो ये इनके आंसर है वो हम बताने वाले हैं, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गेम मिलो, ठीक है। पाँच नंबर का आया होगा, तो पहला तो ठीक है आप यहाँ पर देखिए, मुन्नार ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द तमिल बर्ड्स, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया, तो आपको पूरे यहाँ पर रीड कर लेना था, और आपने यहाँ पर इसे अच्छे से यहाँ पर रीड किया होगा तो आपसे बन गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके जो पहला क्वेश्चन आता है आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का जो आपका यहाँ पर दिया, भारतवाज मुन्नार फेमस आर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आने वाला था वो हम आपके यहाँ पर इसी पैसे में से आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला था वो आपके यहाँ पर, पहले तो आपके यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ना था, फिर इसका जो आपके यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें हम आपके यहाँ पर बता देते हैं, इसका आंसर आपका रहने वाला था जो आपके यहाँ पर दिया गया आपका, इसका डी करेक्ट आंसर रहने वाला, डी वाला, ठीक है। फिर आपका दूसरा, भाट डज बन सी इवरी वेयर इन मुन्नार, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला था बी करेक्ट आंसर। और फिर जो आपके यहाँ पर दिया था मुन्नार गेट्स है इट्स ए नेम फ्रॉम, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर तमिल होने वाला था। और फिर जो आपके यहाँ पर द टाउन ऑफ मुन्नार इज सिटेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, तो इसका आंसर आपका थ्री रिवर्स रहने वाला था, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आंसर आपका जो यहाँ पर थ्री रिवर्स है वो आपके इसी पैसेज में दिया हुआ, और आपने यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ा हुआ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें थ्री यहाँ पर लिखा हुआ, थ्री रिवर्स, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका थ्री रिवर्स आपका आंसर रहने वाला था। और फिर आपका जो यहाँ पर पाँच मार्क था, तो पाँच में का आंसर आपका रहने वाला था, तो इसका आंसर आपका ट्रू रहने वाला था, ठीक है, ट्रू आपका इसका आंसर रहने वाला था। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन टू देख लीजिए, तो इसमें आप यहाँ पर थे वंश महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द लुक है, ठीक है। इस तरह से दिया है, तो इसका पहला क्वेश्चन था भाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, तो इसका आंसर आपका रहने वाला था जो करेक्ट आंसर वो आ बुक होने वाला था, ठीक है, आ बुक है। फिर आपका जो आता बीच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स है, तो इसका आंसर आपका हरिश्चंद्र होने वाला था, ठीक है। और फिर जो आपके यहाँ पर आता है भाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम, तो इसका आंसर क्राय होने वाला था। और जो आपका आता है द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ, तो इसका आंसर आपको सत्य होने वाला था। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन भी आती है आपकी, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, क्वेश्चन तीसरे में आपको यहाँ पर नोट्स और टाइटल लिखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन चौथा आता है, क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी थी आपको यहाँ पर स्कूल लेवल सर्टिफिकेट पर, और इसका अथवा आता जिसमें आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को, क्योंकि जो आपके फ्रेंड है उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन में, तो उनकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, ठीक है, धन्यवाद, यानी आपको शुभकामना पत्र लिखना था। फिर इसका आपका पाँचवा था जिसमें आपको ऐसे लिखना था, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी पिक्चर आई थी, पिक्चर को देख कर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। फिर सेक्शन सी आती है, तो सेक्शन सी आपकी पहले में दा हो जाएगा, दूसरे में आपका ऑन रहने वाला, फिर तीसरे में आपका कैन रहने वाला था, और चौथे में आपका यहाँ पर अनलेस रहने वाला था, और जो आपका आपका इसमें इज का, ठीक है, इज रहने वाला था, और इसमें आपका बट होने वाला था, ठीक है। इस तरह से आपके इसके आंसर भी हो जाते हैं। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू इज डायरेक्टेड, तो डू इज डायरेक्ट आपने कर ली होंगे, इनके आंसर हम आपको बता देंगे। उससे पहले आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है, तो इसे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा, तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला था। फिर आपका था भाट डज ड्राइव्स मीन, तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला था। फिर जो आपका तीसरा भैर वाज स्टीन ब्रून, तो इसका आंसर आपका रहने वाला था सी। और चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दसवीं का ही आता है, तो दसवीं का ए आपने कर लिया हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसके इस तरह से क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। और फिर आपके यहाँ पर आता है दसवीं का आपका बी, ठीक है, दसवीं का बी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इनके आंसर है वो आपको जो जो आंसर आपको यहाँ पर रह गए हैं उन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।